अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको शामी कबाब कैसा बनाते हैं बताऊंगी। सबसे पहले हाफ के जी मटन लेंगे और एक कप चने की दाल, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच मिर्ची, नमक, हल्दी, दालचीनी, शाजिरा इलायची, 5 से 6 हरी मिर्ची और कोथमीर लेंगे। मटन को सारे मसालों को कुकर में डालने के बाद इसे गलाने के लिए रख देंगे। मटन के साथ अदरक लहसुन, सारे मसाले, चने की दाल, हरी मिर्ची और कोथमीर डालकर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालकर इसे अच्छा पकने तक रख देंगे। इसके बाद इसमें ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटियाँ देंगे। देखिए कितना अच्छा गल के तैयार हो चुका है और पानी भी पूरा सूख चुका है। फिर इसे प्लेट में निकाल कर 5 से 6 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसमें ग्राइंडर, ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे। पीसने अच्छा से इसे बारीक अच्छा सा पेस्ट देंगे। पीसने के बाद एक प्लेट में निकाल कर इसे फिर हाथ पे तेल लगाकर छोटे छोटे गोले बनाकर उसको शामी का शेप देकर अपन पूरे पूरे शामी बना लेंगे। बनाने के बाद उसे एक पैन में तेल गरम करके उसको एक धीमी आंच पे, मीडियम या धीमी नहीं तो मीडियम फ्लेम पर रख के अच्छे से उसे पका लेंगे। पकाने के बाद फिर उसे पलटाएंगे। एक साइड पकाने के बाद दूसरी साइड पर उसे अच्छे से पका लेंगे। जैसे भी अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं उसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक डिश में उसे रख देंगे। देखिए कितने अच्छे शामी बनकर तैयार हो चुके हैं। फिर इसे एक डिश में निकाल कर गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। जजाकल्लाह।